दिसंबर बीतने को है लेकिन लखनऊ में सर्दी उस तरह की नहीं हो रही है जैसा कि हमेशा पड़ती है। रोज सुबह तेज धूप के बाद यहाँ का तापमान अक्सर बढ़ जाता है, जिस वजह से लोगों को सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि अब लखनऊ वासियों को अच्छी सर्दी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों के अंदर लखनऊ का जो तापमान है तेजी से उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी और लखनऊ में इन दिनों चल रही सर्द तेज हवाओं की वजह से लखनऊ का तापमान लगातार गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से लखनऊ में ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों ने गर्म कपड़ों की शॉपिंग करना तेजी से शुरू कर दिया है। इसके अलावा लोगों ने अलाव जलाना भी शुरू कर दिया है। अब सुबह फॉग भी लखनऊ में नजर आने लगा है। आइए आपको ले चलते हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश के पास, और इस बार सर्दी का कैसा मिजाज होगा वो बताने जा रहे हैं। लगभग बीतने वाला है और सर्दी का नामो निशान नहीं है लखनऊ में, तो इसकी वजह क्या है और कब तक सर्दी पड़ेगी? लखनऊवासी उस फॉग को देखने के लिए बड़ा उत्सुक है। जैसा कि इस बार जो दिसंबर का महीने में जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है ये अपने सामान से ऊपर है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर अपने सामान या सामान से कुछ प्लेस में अपने ऊपर रहेगा। तो जैसा कि ये देखा गया है कि अभी तक जैसे मिड दिसंबर आ गया है, फॉग अभी तक छिछले टाइप का ही फॉग अभी पड़ा है। उम्मीद है जैसा कि तापमान में अभी पिछले 2 दिनों में काफ़ी गिरावट हुई है, 3-4 डिग्री लखनऊ में गिरावट हो गई है, तो ये अभी कंटिन्यू बना रहेगा। फिर जैसे ही सीजन थोड़ा चेंज होगा उम्मीद है कि नेक्स्ट में आपको ये सब चीज़ जो कोहरा ये सब उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन बाद थोड़ा प्रोबेबिलिटी बनती है। अच्छा, और सर लगभग इस बार सर्दी के जैसे हमेशा मार्च अप्रैल तक रहती है, तो उम्मीद है कि मतलब फरवरी तक ही रहेगी शायद कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कहना ऐसे शुरू में कहना है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है दिसंबर जनवरी फरवरी महीने में वो सामान से ऊपर रहेगा। जैसे स्पेशली जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है वो सामान या सामान से ऊपर रहेगा, और जो हमारा पूर्वांचल साइड है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसमें सामान्य की स्थिति है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच सर। एक बार स्क्रीन पे हमें दिखा दीजिएगा। ओके, न्यूनतम तापमान के लिए है जी। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश को यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये येलोइस है, ये पीले टाइप का, तो इसमें नॉर्मल टू अबव नॉर्मल का फोरकास्ट है। ओके। मतलब जो पूर्वानुमान है नॉर्मल टू अबव है, जो ईस्टर्न पोस्ट है नॉर्मल का को दर्शा रहा है, क्योंकि स्पेशली जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है स्टेट का वो अबव नॉर्मल रहेगा, और इधर ये ओवरऑल पूरे मीन औसत तापमान है न्यूनतम का, ये न्यूनतम का है। उसी तरह अगर हम उच्चतम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, सेम पूर्वांचल हिस्से में नॉर्मल है और जो वेस्टर्न पोर्शन है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा अपने औसतन अधिकतम होगा, इधर नॉर्मल होगा, सामान पे रहेगा। तो ये हमारा पूरे ये दिसंबर टू फरवरी ये हमारा ये तापमान के बेसिस पे फोरकास्ट है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज 18।